नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। भारत जोड़ो यात्रा जिसकी चर्चा आज पूरे देश में है, आपके अंदर भी बहुत सारे सवाल होंगे कि आखिर वहाँ पे होता क्या है, लोग कैसे यात्रा करते हैं, दिनचर्या क्या है, इस यात्रा से क्या हासिल होना है, इस यात्रा से क्या नुकसान होना है, क्या मिला, क्या पाया, क्या खोया। मैंने 3 दिन की यात्रा को इसको कवर किया। मैं ऑफिशियली तौर पर, अधिकृत तौर पर इस यात्रा में अभी तक शामिल नहीं हुआ हूँ। मैं केवल इस यात्रा के जो परिणाम है, जिस रूट से यात्रा गुजरी है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, उस यात्रा को गुजरने के बाद वहाँ के लोगों का क्या रिएक्शन है, स्थानिक लोगों क्या जानते हैं, क्या मानते हैं इस यात्रा को लेकर, उनकी क्या विचारधारा है, उनके क्या मत है, उसको जानने की, खोजने की कोशिश मैंने इस 3 दिनों में की। मैंने नांदेड़ हिंगोली से होते हुए अकोला से जलगांव तक की यात्रा मैंने कवर की। नांदेड़ और हिंगोली में पिछले 4-5 दिन पहले ये यात्रा गुजर चुकी है। अकोला के पौतूर से लेके मैंने जलगांव तक की भारत जोड़ो यात्रा को कवर करने की कोशिश की है, उसको महसूस करने की कोशिश की है कि आखिर भारत जोड़ो यात्रा में प्रोसीजर क्या है। अगर आप भी वहाँ जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको देखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, आपको जो जानकारी, आपके जो सवाल हैं इस वीडियो में, शायद उसके उत्तर आपको मिल जाए। इस वीडियो को मैंने 4 हिस्सों में बांटा है। पहले हिस्से में वहाँ की दिनचर्या क्या है, वहाँ कितने बजे क्या होता है, कैसी घटनाक्रम है, उसकी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। दूसरी पार्ट में आप देखेंगे इस यात्रा की कमियाँ, तीसरे हिस्से में आप देखेंगे इस यात्रा की खूबियाँ, और चौथे हिस्से में मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से राहुल गांधी समय समय पर मास्टर स्ट्रोक खेल जाते हैं, जिसकी वजह से ये यात्रा हमेशा चर्चे में रहती है। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से। अगर आप भारत जोड़ो यात्रा में जाना चाहते हैं, सम्मिलित होना चाहते हैं, या आपके अंदर उत्सुकता है कि राहुल गांधी का दिनचर्या क्या है, वहाँ के पदयात्रियों की दिनचर्या क्या है, तो इसे आपको देखने की ज़रूरत है। वहाँ पर 2 कैंप बनाए गए हैं, कैंप 1 और कैंप 2। कैंप 2 जो है वो सामान्य यात्रियों के लिए हैं, जो छोटी छोटी दूरियाँ चलते हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी हैं। 1000 से 1200 से 2000 के संख्या में ये वहाँ पर टेम्परेरी कैंप बनाए जाते हैं। प्लास्टिक कपड़े से बने स्टैंड में वो सारी सुविधाएं हैं, एक बेड है, तकिया है, आपको बिस्तर दिया जाता है, इसके साथ में हर बिस्तर के साथ में एक चार्जिंग पॉइंट दिया गया है, इसके साथ शौचालय और बाकी व्यवस्थाएं हैं। एक सेंट्रल टाइप में आपको खाने की व्यवस्था की गई है। जिस तरह से आप ये देख रहे हैं, ये कैंप 2 की पौतूर का कैंप है, जिसमें खाने के लिए तमाम टेबल्स और इस तरह की व्यवस्थाएँ की गई हैं। इसके अलावा कैंप 1 है, जिसमें खुद राहुल गांधी जी रहते हैं, इनके साथ कन्हैया कुमार और 120 भारत यात्री। भारत यात्री का वो मतलब होता है जिन्होंने कन्याकुमारी से आखिरी पड़ाव तक इस यात्रा में सम्मिलित होने के लिए शुरू से अंत तक चलने वाले हैं। ऐसे 120 लोगों का, साथ में राहुल गांधी और बाकी लोगों का, एक स्थायी अस्थायी तौर पर एक कैंप बनाया गया है जो कंटेनरों में है। आपने देखा होगा बहुत सारे न्यूज़ चैनलों में कंटेनरों का जिक्र होता है कि ट्रकों के ऊपर कंटेनर में इनका अस्थायी रहवाइश बनाया गया है, घर बनाया गया है। बहुत सारे सोशल मीडिया पर यह भी दिखाया गया था कि बहुत पंचतारिका 5-स्टार लाइफ उस कंटेनरों में है, तो मैंने कन्हैया जी की मदद से कैंप 1 में भी मैं जाकर उस चीज़ों को मैंने चेक किया, कंटेनर के अंदर भी गया, तो मैंने देखा कि वो जो भ्रांतियाँ सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही हैं वो गलत है। कंटेनरों के अंदर केवल मूलभूत सुविधाएँ हैं और बहुत सामान्य तरीके से जो भारत यात्री हैं उनको आराम करने के लिए जगह दी गई हैं। किसी किसी कंटेनर मैंने 8 लोगों को अभी व्यवस्था देखा, किसी कंटेनर में 4 लोगों का भी व्यवस्था देखा। तो जैसा आपका कद है, जैसे आपकी टीम है, उसके हिसाब से आपको कंटेनर्स में रहने की व्यवस्था की गई है। जिस जगह ये छोड़ना होता है, ये सारा कंटेनर्स अगली जगह जहाँ पर रुकना होता है वहाँ पर मूव कर दिए जाते हैं। कैंप 1 और कैंप 2 ये 2 अस्थायी तौर पर बनाए हुए कैंप हैं, जहाँ पर ये लोग आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं। इसके बाद दिनचर्या शुरू होती है 5:30 बजे। राहुल गांधी के कैंप 1 के बाहर कुछ VIP लोग और साथ में इस कार्यकर्ताओं का जमावड़ा शुरू होता है। लोग कैंप 2 से निकलकर कैंप 1 की तरफ आते हैं, जहां से राहुल गांधी जी अपनी पदयात्रा शुरू करेंगे। 6:00 बजे राहुल गांधी जी अपने कैंप की शुरुआत करते हैं, यात्रा की शुरुआत करते हैं। 6 बजे से लेकर 11 बजे तक का ये शेड्यूल होता है। इसी बीच में राहुल गांधी जी के साथ सभी पदयात्री एक टी ब्रेक करते हैं। ये जो 6 बजे से 11 तक का जो समय होता है, इसमें जो पद यात्रा है करीबन 14 से 15 किलोमीटर की यात्रा कवर करता है। इसी बीच में एक टी ब्रेक लिया जाता है, जहां पर आपने देखा होगा राहुल गांधी जी किसी ढाबे पे बैठ के चाय पी रहे हैं,
या किसी भी जगह पे बैठकर रेस्ट करके ब्रेक लेते हैं, उसके बाद 11 बजे तक यात्रा चलती है। 11 बजे से लेकर 4 बजे तक यात्रा रोक दी जाती है। सभी लोग अपने अपने कैंप में चले जाते हैं, वहाँ पर दिन का भोजन करते हैं, थोड़ा आराम करते हैं और ठीक 4 बजे शाम को ये यात्रा वापस पैदल अपने अगले गंतव्य की तरफ बढ़ती है। 4 बजे से लेकर 7 बजे तक ये मुकाम होता है, इसमें राहुल गांधी जी पैदल चलते हैं, इसके साथ पूरा जो यात्री हैं वो साथ चलते हैं। शाम को 7 बजे एक छोटे से ट्रक के ऊपर एक LED लगाकर एक चौक सभा करते हैं राहुल गांधी जी, जिसमें वो दिन भर में उन्होंने क्या महसूस किया, लोगों से बात किया, उसकी जानकारी वो रखते हैं तथा एक क्लोज़र मैसेज उस दिन की यात्रा का वो देकर इस यात्रा को रोक दिया जाता है। उसके बाद राहुल जी वापस कैंप 1 में चले जाते हैं और बाकी जो यात्री हैं कैंप 2 में जाकर आराम करते हैं, रात्रि विश्राम करते हैं, भोजन करते हैं, अपनी दिनचर्या पूरी करते हैं। जिन लोगों को राहुल गांधी जी से मिलना होता है उनके लिए मैं बता दूं, इस समय करीबन 1000 पुलिस उनकी सुरक्षा में है, बहुत सारे SPG टाइप प्रोटोकॉल्स हैं। इसलिए अगर आप कांग्रेस के पदाधिकारी हैं या बड़े नेता हैं तो कृपया आप ये अपेक्षा मत करें कि आप राहुल गांधी जी से मिल पाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी से मिलने के लिए बहुत ही क्रिटिकल प्रोसेस है वहाँ पे। हर कोई के बस का बात नहीं है। मैंने बहुत सारे बड़े बड़े विधायकों मंत्रियों के लोगों को देखा निराश होते हुए कि वो राहुल गांधी से नहीं मिल पाए। आपने देखा होगा राहुल गांधी जी किसी भी को भी रैंडम बुला लेते हैं जब वो यात्रा कर रहे होते हैं, तो मैंने एक चीज़ देखा है कि वो किसी को भी रैंडम बुला लेते हैं, वो पहले से डिसाइडेड नहीं होता। जैसे चल रहे हैं उनकी ध्यान किसी महिला पे चली गई, उनका ध्यान किसी किसान पे चली गई, तो उसको किसान को बुला लेते हैं, उनसे पूछते हैं, वो बात नहीं करते हैं, वो सुनते हैं कि उनकी दिक्कतें क्या। आपने देखा होगा बच्चों के साथ खेल रहे हैं, लैपटॉप लेके बैठे हैं, तो ये उनका प्रोटोकॉल है। वो रैंडम किसी को बुलाते हैं और अपनी वहाँ पर आपने उनके वीडियोज़ फ़ोटोज़ देखे होंगे। लेकिन सबसे बड़ी जो गौर करने की बात मैंने देखी वो ये है कि राहुल गांधी का जो पहनावा है, आपने अगर गौर किया होगा तो राहुल गांधी का जो पहनावा है वो कन्याकुमारी से एक ही है। जिस टी शर्ट को लेकर BJP ने सोशल मीडिया पर ट्रोल किया था कि राहुल गांधी जी महंगी टी शर्ट पहनते हैं, वाइट कलर का टी शर्ट, क्रीम कलर का पैंट और नीले कलर के जूते, ये इनका परमानेंट ड्रेस कोड है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि कन्याकुमारी से लेकर अभी तक जलगांव तक मैंने इनको इसी ड्रेस में देखा है। आप वीडियोज़ में भी देख सकते हैं, कोई भी वीडियो फोटोज़ बैनर फोटोज़ आप उठा के देख लीजिए जो इस यात्रा से जुड़े हुई हैं, उसमें आप देखेंगे कि राहुल गांधी जी वाइट टी शर्ट, क्रीम कलर की पैंट और नीले जूतों में ही लगातार ये यात्रा कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि दूसरे नेताओं जैसे रोज़ हर घंटे कपड़े बदलने वाले में से राहुल गांधी जी नहीं है, कॉमन मैसेज उन्होंने जनता को दिया है। अब आते हैं इस जो भारत यात्रा है इसकी जो कमियों की वजह से। हिंगोली और नांदेड़ से यात्रा बीत चुकी है, पिछले 5-7 दिन पहले, हफ्ते पहले ये यात्रा राहुल गांधी जी के नेतृत्व में यहाँ से गुजर चुकी है। जब मैं मुंबई से उस इलाकों में पहुँचा, वहाँ के दुकानों से बात की, दुकानदारों से बात की, लोगों से बात की, ग्रामीणों से बात की, किसानों से बात किया, तो मेरे को पता चला कि वहाँ पर इस यात्रा के बारे में लोगों को केवल इतना पता है कि राहुल गांधी यहाँ से गुजरे हैं, हमारे सामने, दुकान के सामने, हमारे सड़कों पर, हमारे चौक से, लेकिन वो क्यों गुजरे हैं उसकी जानकारी उनको नहीं है। उन्हें ये नहीं पता कि वो किस मुद्दों पर लेकर ये यात्रा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस यात्रा की जो सबसे बड़ी कमी या खामी मुझे नज़र आई कि राहुल गांधी जी की जो मेहनत है उसको उनके कार्यकर्ता लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। जिस तरह से लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि राहुल गांधी जी ये यात्रा क्यों कर रहे हैं, उनका मकसद क्या है, इस यात्रा में आम जनता को क्यों जुड़ना चाहिए, ये लोगों को नहीं पता चल रहा है। इस यात्रा की सबसे बड़ी खामी मुझे ये लगी कि इनके जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, पदाधिकारी हैं, वो लोगों तक नहीं पहुंच रहे हैं, उनका जो मकसद है वो लोगों तक नहीं बता पा रहे हैं। तो अगर अपने कार्यकर्ताओं से राहुल जी अगर ये निवेदन करें या अपने नेताओं को ये टारगेट दें कि जिस रूट से यात्रा जा रही है उसके 50 किलोमीटर के दायरे में कम से कम लोगों को ये पता होना चाहिए कि राहुल गांधी की यात्रा क्यों है, तो ये सबसे बड़ी कमी है, शायद ये आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। क्योंकि ये यात्रा में रोज़ आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उस मेहनत का रिज़ल्ट क्या हो रहा है ये लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है। लोग ये समझना चाहते हैं कि आप क्यों आए हैं, आपके कार्यकर्ता और आपकी जो पूरा प्रोजेक्ट है या मैनेजमेंट उन्हें नहीं समझा पा रहा है, ये सबसे बड़ी खामी मुझे इस यात्रा में दिखी। दूसरा एक खामी मुझे ये दिखा कि वहाँ पर अनवांटेड क्राउड है, लोग केवल सेल्फी लेने के लिए आ रहे हैं, जो खासतौर पर कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं। यहाँ तक कि इस पूरे यात्रा में जो कि कन्याकुमारी से निकली है, इस पूरे यात्रा में अगर किसी इंसान ने
ईमानदारी के साथ पूरा ये पैदल यात्रा किया है तो केवल वो राहुल गांधी हैं, क्योंकि वही एक इंसान है जो ऑन कैमरा पैदल चलता है, न स्कीप करता है, न गाड़ी का सहारा लेता है। लेकिन मैंने अपनी आंखों से ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ताओं को देखा कि यात्रा बीत जाने के बाद वो अपनी कार में बैठ के आगे जाते हैं, बाइक से आगे जाते हैं या किसी अन्य साधन से आगे जाते हैं, लेकिन वो चलना नहीं चाहते। ये कहीं ना कहीं से उनके ऊपर ऐसा लग रहा है कि मजबूरी में गला बांध कर उनको खींचा जा रहा है, लेकिन वो नहीं करना चाहते। तो इन कार्यकर्ताओं को इस तरह से बाइक और कारों से जाते हुए देख ग्रामीणों में एक चर्चा है कि ये तो दिखावा कर रहे हैं। तो ये जो कुछ कामियां हैं, अगर आप ऐसे लोगों का टीम अपने साथ रखें जो पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ पैदल चलते हुए यात्रा करें, तो एक समाज में लोगों को एक अच्छा मैसेज जाएगा। ये सबसे बड़ी जो खामी मुझे वहाँ पर दिखाई दी, पहला तो लोगों को न समझ आना कि यात्रा क्यों हो रही है, दूसरा आपके जो कार्यकर्ता हैं वो आपके गुजरने के बाद बाइक और कारों से यात्रा कर रहे हैं, जिसका एक गलत मैसेज लोगों तक जा रहा है। अब आते हैं इस यात्रा की खूबसूरती के बारे में। इस यात्रा की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि कांग्रेस पार्टी, जो कि लगभग दफन हो चुकी थी, मर चुकी थी, उसमें जान फूंकने का काम राहुल गांधी जी ने किया है। अपने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को यह आदेश है कि आपको इस यात्रा में सम्मिलित होना अनिवार्य है। इसका रिजल्ट यह हुआ कि जो कार्यकर्ता मतदाताओं को अपने घर से निकाल के मतदान कक्ष तक ले जाकर वोट दिलवाता था, वापस घर छोड़ देता था, अब उस कार्यकर्ता को एक टास्क मिल गया है। सारे नेताओं को एक टास्क मिल गया है कि इस भारत जोड़ो यात्रा का प्रमोशन, इस भारत जोड़ो यात्रा की मुहिम जन जन तक पहुंचानी है। तो कहीं ना कहीं आपको, चाहे आप मुंबई से हैं चाहे अलग राज्य से हैं, तो आपके अपने राज्यों में भी भारत जोड़ो यात्रा संबंधित छोटी छोटी यात्राएं निकालने का कांग्रेस ने आदेश दिया है, जिसकी वजह से कांग्रेस के कार्यकर्ता नेताओं के अंदर एक अलग सी ऊर्जा, एक अलग सा जो एक जज्बा है वो फिर से निकल के आया है। अपने नेता राहुल गांधी को पैदल चलते हुए देख शायद अपने इन कार्यकर्ताओं को और नेताओं को लगने लगा है कि अब हमें भी सड़क पर उतरना चाहिए, क्योंकि पिछले कितने ही दशकों से मुझे ऐसा कोई भी आंदोलन नज़र नहीं आया जिसमें कि इनके कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर आंदोलन किया होगा। पिछले दिनों ईडी की कार्रवाई को छोड़कर, अगर ईडी की राहुल गांधी और गांधी परिवार के ऊपर जो कार्रवाई हुई है उसको अगर आप देखेंगे, तो उसमें भी कार्यकर्ता केवल दिल्लियों तक ही सीमित रह गए, लेकिन इस भारत जोड़ो यात्रा की वजह से इन कार्यकर्ताओं में एक अलग से ऊर्जा या जान फूंकने का जो काम राहुल गांधी ने किया है वो बहुत ही सराहनीय है। कहीं ना कहीं कांग्रेस वापस अपनी उस उग्रता की तरफ, अपने उस ऊर्जा की तरफ बढ़ती हुई दिखी या जागती हुई दिखी, ऐसा आप कह सकते हैं। दूसरा एक था कि इस कैंप में, भारत जोड़ो यात्रा में जो संसाधन है वो उनका बहुत बेहतरीन तरीके से मैनेजमेंट किया गया। जिस तरह से मैंने पहले बताया, कैंप और कैंप टू बनाए गए हैं। इसके अलावा जहाँ पर भी ये यात्रा जाती है, सड़क के दोनों किनारे बैनर लगाए जाते हैं, और जैसे ही वो यात्रा वहाँ से गुजर जाती है, पीछे एक गाड़ी आती है, इन बैनरों को उतार के रख लेती है, और आगे की यात्रा में यही बैनर इस्तेमाल किया जाता है। ये जो सबसे बेहतरीन संसाधनों को कितनी बार आप मल्टीप्लाई टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे टेंट है, कैंप टू और कैंप वन के जो टेंट हैं, जो कंटेनर्स हैं, जैसे ही वहाँ का काम ख़त्म होता है उस कैंप को निकाला जाता है और फिर आगे की यात्रा में उसको ले जाकर वहाँ पर नया कैंप अस्थायी तौर पर बना दिया जाता है ताकि यात्री उसमें आराम कर सके। तो कहीं ना कहीं बार बार खर्चा कर इस मुहिम को महंगा करने के बजाय उसी संसाधनों को बार बार इस्तेमाल कर इस यात्रा को बहुत सटीक तरीके से बेहतरीन मैनेजमेंट के साथ लोगों तक पहुँचाया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं एक बड़ा उदाहरण इस देश के सामने दिखाया जा रहा है कि एक ही संसाधन को सैकड़ों बार इस्तेमाल कर इस यात्रा को सफल बनाया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं मैनेजमेंट और जो इनके संसाधनों की वजह से उसी संसाधनों को रिपीट एंड रिपीट इस्तेमाल करना, ये सबसे बड़ी खूबी मुझे इस यात्रा में लगी, जो कि पहली बार मैं ये अनुभव कर रहा हूँ। नॉर्मली सभाओं के बाद बैनर छोड़ दिए जाते हैं, सड़कों पर गिरे होते हैं, कचरों में पड़ जाते हैं, लेकिन वहाँ पर एक भी कचरा बैनर का आपको देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि उन बैनरों को उतार के आगे की सभाओं में इस्तेमाल किया जाता है। एक बेहतरीन उदाहरण इस भारत जोड़ो यात्रा में मुझे दिखा। दूसरा सबसे बड़ी खूबी मुझे ये नज़र आई कि राहुल गांधी, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने पप्पू बनाकर एक मजाकिया इमेज पूरे देश के सामने रखा, एक अगंभीर तरीके का नेता उन्होंने देश के सामने रखा, लेकिन आज का जो राहुल गांधी है वो परिपक्व लगता है। आज का जो भारत जोड़ो यात्रा का राहुल गांधी है वो मैच्योर दिखता है। जिस तरह से उनकी इमेज एक पप्पू के तौर पे बनाई गई थी, अब वो धीरे धीरे पूरी तरह से बदल चुकी है, जो मैंने बहुत करीब से देखा। उनका बॉडी लैंग्वेज, राहुल गांधी का चलने का तरीका, उनके करने वाली एक्टिविटी, वो सारी की सारी एक परिपक्व, एक
एक गंभीर नेता के तौर पर दिखा रही है। अगर आप उनकी अब की वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक मैच्योर नेता अपना बयान दे रहा है, स्टेटमेंट दे रहा है, बयानबाजी कर रहा है, सभा संबोधित कर रहा है। यही कुछ साल पहले आप देखेंगे कि बात बात करने के बाद किसी भी विषय पर राहुल गांधी बोलते बोलते मुस्कुरा देते थे, हंस देते थे तो लोग मजाक उड़ाते थे। आज का जो राहुल गांधी है वो एकदम गंभीर है, मैच्योर है, और इसको देखने के बाद आपको लगता है कि हाँ, अब जाके कहीं कांग्रेस को उस नेतृत्व को और राहुल गांधी का जो एक जिम्मेदारी थी वो अब कहीं ना कहीं देश के सामने एक बड़े नेता के तौर पर, परिपक्व नेता के तौर पर दिखाई देने लगी है। अगले कुछ दिनों में इसमें और निखार आएगा जैसे जैसे यात्रा अपने अंतिम पड़ाव की तरफ जाएगी। तो ये कुछ खूबियाँ मुझे ऐसा लगा। पहला, राहुल गांधी के अंदर, खुद के अंदर एक बड़ा बदलाव, पूरी तरह से एक पर्सनालिटी का चेंज हो जाना, अपने कार्यकर्ताओं में जोश भर देना और उस मरी हुई कांग्रेस को वापस से जिंदा करके जो ऊर्जा और जो एनर्जी अपने कार्यकर्ताओं नेताओं में डाला है वो कहीं ना कहीं इस भारत जोड़ो यात्रा की सबसे बड़ी खूबसूरती या कह सकते हैं। अब आते हैं मास्टर स्ट्रोक पे। आपने देखा होगा राहुल गांधी ने एक कंट्रोवर्सी की, जब ये यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा जब महाराष्ट्र में एंटर हुई है उसके बाद से पता नहीं क्यों गोदी मीडिया ने लगातार भारत जोड़ो यात्रा का कवर करना बंद कर दिया। सोशल मीडिया पे केवल कांग्रेस की फेसबुक लाइव यूट्यूब चैनल्स पर ही आप इसकी वीडियोस देख सकते थे, समाचार मिल सकता था। राहुल गांधी ने इसको देखते हुए एक मास्टर स्ट्रोक खेला। हो सकता है आप इससे सहमत हो सकता है नहीं भी हो सकते हैं, तो मैं जो महसूस किया मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मास्टर स्ट्रोक ये था कि राहुल गांधी जी ने सावरकर के ऊपर एक बयान दिया जिसको लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता आक्रामक हो गए। उन्होंने शेगांव सभा में न करने का आह्वान दिया, चेतावनी दिया। उसके बावजूद राहुल गांधी जी के लोग वहां पर जमा हुए, सभा हुई। सभा में एक मनसे का कार्यकर्ता ने काला झंडा दिखाने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं ओवरऑल तरीके से वो सभा कंप्लीट हो गई। लेकिन इस सभा होने और इस बयान के बाद का जो दौर था वो कहीं ना कहीं पूरे भारत में लाइव चलाया गया। तो कहीं ना कहीं मैं इस एंगल में देखता हूँ कि राहुल गांधी जी अब वो सीख चुके हैं कि कैसे अपनी सभा, अपनी यात्रा को चर्चा में रखना है। कुछ इस तरह से आप बयान करिए जिसकी वजह से पॉलिटिकल पार्टी एक्टिवेट हो जाए, लोगों के अंदर चर्चा का विषय हो। तो राहुल गांधी जी जानते थे कि महाराष्ट्र में सावरकर की भूमिका क्या होती है, उसी का फ़ायदा उन्होंने इस यात्रा को इनकैश कराने में लगाया ऐसा मुझे लगता है। वो बयान की टाइमिंग, भारत यात्रा का महाराष्ट्र में होना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का सड़कों पर उतरकर आंदोलन करना, सभा न होने देना, जगह जगह पर राहुल गांधी के नाम पर बीजेपी ने पोस्टर्स लगाए, मनसे ने आंदोलन किया। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने बिना किसी पार्टी को इशारा किए अपने जो यात्रा की उसकी चर्चा लगातार 3 दिनों तक महाराष्ट्र में करवा दी। जब वो निकले हैं ये शेगांव की सभा करके जलगांव होते हुए, आज वो इस तरफ इंदौर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक उनका मास्टर स्ट्रोक था कि विपक्ष की पार्टियों को भी अपनी इस यात्रा से जोड़ने के लिए उन्होंने केवल एक छोटे से आरोप लगाए और उसके बाद पूरा महाराष्ट्र, पूरा गोदी मीडिया लाइव भारत जोड़ो यात्रा को दिखाया। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी भी अब मास्टर स्ट्रोक करना सीख रहे हैं, ऐसा मेरा अनुभव वहाँ पर महसूस हुआ। आपको इस वीडियो के बारे में क्या लगता है? क्या अगर आपने भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े हैं, आप वहाँ पर गए हैं, तो हो सकता है आपको इस जानकारियों में बहुत सारी जानकारी सिमिलर मिली होगी। अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको ये दिनचर्या से लेके वहाँ की कमियाँ, वहाँ की खामियाँ, वहाँ की खूबसूरतियाँ आपने इस वीडियो के माध्यम से जानी होगी। मैं निवेदन करूँगा कि ये जानकारी देश के तमाम लोगों तक पहुँचाएँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों को बताएँ भारत जोड़ो यात्रा आखिर चल कैसे रही है। बहुत जल्द मैं अपनी पूरी टीम जिसमें मोहित शर्मा, राज त्रिपाठी, काजल निषाद, बनारस वाले मिश्रा जी और मैं विनय दुबे भारत जोड़ो यात्रा में ऑफिशियली तौर पर जुड़ेंगे और राहुल गांधी के साथ कितने ही किलोमीटर तक साथ में भारत जोड़ने के लिए यात्रा करेंगे उसकी भी जानकारी और वीडियो आपको पहुंचेगी। ये वीडियो में आपको क्या खास लगा, क्या गलत लगा, उसके लिए आप कमेंट ज़रूर करें और हो सकता है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। ऐसे ही वीडियोज़ आप देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल द विनय दुबे को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप मेरे फेसबुक पेज द विनय दुबे को फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आपको ये वीडियोस मिल रही हैं तो आप इसके लिए @_विनय दुबे को फॉलो कर सकते हैं जो कि वेरीफाइड अकाउंट है, इसमें आप जाकर जुड़ सकते हैं, आपको आगे इस केस में इस यात्रा की अपडेट्स मिलती रहेगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।